हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे दोस्तों, 50 बाय 80 फीट का हमारा 4000 स्क्वायर फीट का नक्शा रहेगा। ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर है। एस्टिमेटेड इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 13.5 लाख के आसपास रहेगी। सो 450 गज का नक्शा है। 3 बेडरूम सेट रहेगा विद सेपरेट ड्राॅइंग रूम। 10 के की फीचर्स देख लें दोस्तों। तो कार पार्किंग रहेगी आपके पास, फिर फ्रंट लॉन रहेगा, चारों साइड से आपका जो मकान है वो ओपन रहेगा। 3 बेडरूम्स हैं, सेपरेट ड्राइंग रूम है, डाइनिंग लॉबी रहेगी। 3 टॉयलेट्स हैं जिसके अंदर दो जो टॉयलेट रहेंगे वो अटैच रहेंगे, एक टॉयलेट जो है कॉमन रहेगा, 2 ड्रेसिंग रहेंगे आपके पास। किचन रहेगी स्टेयरकेस आउटसाइड से, सो आप इसको रेंटल ऑप्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। सो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आइए ज्यादा देरी ना करते हुए चलेंगे हम प्लान की तरफ। सो गाइज, ये हमारा नक्शा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी साइड की ओरिएंटेशन। सो इस तरफ आप देखेंगे यहाँ रोड है, एक आपकी यहाँ पर रोड है। सो कॉर्नर प्लॉट है, एल शेप में आपका प्लॉट रहेगा। कवर्ड एरिया देखेंगे 1550 स्क्वायर फीट का आपका जो है स्लैब का एरिया रहेगा, कवर्ड एरिया रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे। सो प्लॉट की लेंथ देखेंगे 80 फिट है, प्लॉट की विड्थ देखेंगे 50 फिट है। सो 50 बाय 80 फिट का आपका प्लॉट रहेगा। चारों साइड से आप देखेंगे हमने प्लॉट को ओपन छोड़ा है, सेंटर में आपका मकान रहेगा, बाकी जो फ्रंट साइड में रियर साइड में आप यहां पर अपनी गार्डनिंग लैंडस्केप वगैरह करवा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्लॉट में एंट्री। तो हमने एक सेंट्रल एंट्री आपको यहाँ से दी है साइड रोड से, एक फ्रंट साइड से आपको लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में ये एंट्री दी है। ये आपकी कार एंट्री रहेगी, आपकी पेडेस्ट्रियन एंट्री रहेगी। यहाँ पर आप अपनी कार पार्किंग, दो गाड़ियों की पार्किंग आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम साइड में सेटबैक्स। हमने प्लॉट जो है हमारे जो बिल्डिंग है उसमें और हमारे प्लॉट के बीच में कितना गैप छोड़ा है। सो फ्रंट साइड में देखेंगे 17 फिट 9 इंच का हमारे पास गैप रहेगा। सेकेंड रोड की तरफ देखेंगे लगभग 6.5 फिट का गैप है आपके पास। पीछे की तरफ देखेंगे हमने 14 फिट का गैप छोड़ा है। एंड बैक साइड में देखेंगे आप हमने 4 फिट का जो है एरिया आपके पास ओपन छोड़ा है। सो इस तरीके से आप इस साइड का लेआउट करेंगे। घर के अंदर देखेंगे आप, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ गाड़ी की पार्किंग करेंगे। गाड़ी पार्क करके ये आपकी मेन एंट्रेंस रहेगी घर की, जिससे आप स्टेयरकेस यूज करेंगे। ये 2 स्टेप्स के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से दरवाजा खोलते हुए, स्टेप्स के बाद आप अपने प्लिंथ में आ जाएंगे। यहाँ से आप चाहेंगे तो घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं या स्टेयरकेस यूज करते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल सकते हैं। सो इस प्लान को आप एज एन टिपिकल फ्लोर भी यूज कर सकते हैं। सो स्टेयरकेस जो है वो आउटसाइड से है, सो आप इसको एज एन रेंटल पर्पज के लिए इस डिजाइन को आप बना सकते हैं। स्टेयरकेस की विड्थ देखेंगे 3 फिट 3 इंच रहेगी, ट्रेड देखेंगे 10 इंची रहेगा, और जो आपके राइजर रहेंगे वो आप स्लैब हाइट के हिसाब से 7 या 8 इंच के आसपास में रख पाएंगे इस डिजाइन के अंदर। उसके बाद देखेंगे आपकी गेस्ट एंट्री रहेगी। यहाँ से अगर कोई आता है सो यहाँ से आपकी ड्राइंग रूम की एंट्री रहेगी, ये गेस्ट एंट्री है। बाहर से कोई आदमी आएगा तो इस दरवाजे के थ्रू आपके ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करेगा। ड्राइंग रूम का लेआउट देखेंगे दोस्तों, 17 फिट बाय 13 फिट का आपका ड्राइंग रूम का साइज रहेगा। यहाँ से दरवाजा ओपन होगा आपके घर वाल आपके आउटसाइडर के लिए। यहाँ से आपकी ओपनिंग रहेगी घर वालों को एंट्री के लिए, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। सो 17 फिट आपकी ड्राइंग रूम की लेंथ रहेगी, 13 फिट इसकी विड्थ रहेगी। लेआउट देखिए इस तरीके से आप सी टाइप में अपनी सोफा सेटिंग रखेंगे। सामने वाली वॉल पे आप यहाँ पे टीवी पैनल अपना लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए देखेंगे, फ्रंट एलिवेशन की वजह से हमने यहाँ पे आपको एल विंडो प्रोवाइड किया है, साथ में एक छोटी विंडो यहाँ पर दी है। सो ये इस तरीके से आप अपने ड्राइंग रूम का लेआउट करेंगे। सेपरेट ड्राइंग रूम है, यहाँ से आप ड्राइंग रूम के बाद हम कनेक्टिविटी देखेंगे हमारे कॉमन टॉयलेट की। सो किसी को भी अगर टॉयलेट यूज करना है सो इस लॉबी के थ्रू होते हुए हमने यहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड किया है। ये आपका कॉमन टॉयलेट रहेगा, 5 फिट बाय 7.5 फिट का साइज है इस टॉयलेट का, 2.5 फिट का आपका दरवाजा रहेगा। इस तरीके से आप इस दरवाजे को ओपन करेंगे। लेआउट की बात करें तो यहाँ पर हमने वॉश मशीन लगाया है, फिर आप WC प्लेस करेंगे, लास्ट में आप यहाँ पे अपना बेडिंग एरिया अलग से सेग्रीगेट करेंगे। वेंटिलेशन के लिए आप 2 बाय 3 फिट का यहाँ पे वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रंट ये आपका इस तरफ जो ओपन एरिया है वहाँ पे ओपनेबल रहेगा। सो ये हो गया आपका आउटसाइडर वाला एरिया। सेकेंड एंट्री देखते हैं, यहाँ से आप एंट्री करेंगे आपका वरेंडा रहेगा। यहाँ से आप स्टेप्स डाउन करते हुए अपने लैंडस्केप वाले एरिया के अंदर जा सकते हैं। 2 स्टेप्स के बाद दोनों तरफ ही डाउन रहेगा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये आपके घर की एंट्रेंस रहेगी। एंट्री करेंगे आप अपने लिविंग एरिया के अंदर, लॉन्च के अंदर। साइज देखेंगे 14 फिट बाय 13 फिट का साइज है, 14 फिट जो है आपकी विड्थ वाइज है, 13 फिट आपके पास इस तरीके से लेंथ है। यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी 8 सीटर डाइनिंग प्लेस कर पाएंगे। सामने वाली वॉल पे आप चाहें तो यहाँ टीवी पैनल लगा सकते हैं स्टेयरकेस वाली वॉल पे। लॉबी के अंदर देखेंगे हमने 2 फिट ये एरिया पीछे संग करते हुए यहाँ पे हमने पूजा निकाल दिया आपके लिए, सो दैट आपको छोटी मोटी यहाँ पर अगर पूजा करनी है सिंगल लेडी या 2 जनों को मिलकर, तो आप इस एरिया के अंदर सफिशियंटली अपने पूजा को यूज पूजा कर सकते हैं।
सो गाइज आपका देख सकते हैं, दो एंट्री हो गई है, स्टेयरकेस लॉबी हो गई है, ड्राइंग रूम प्लस आपका टॉयलेट हो गया है। इसके बाद बचते हैं आपके 3 BHK जो 3 रूम सेट है वो, और साथ में आपकी किचन। सो लॉन से हम सबसे पहले डाइनिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं हमारी किचन को। सो इस पैसेज के थ्रू आप अपनी किचन के अंदर एंट्री करेंगे। सो यहाँ से आप किचन में एंट्री करते हुए देखेंगे इसका साइज, किचन का लेआउट देखें। साइज की बात करें, सबसे पहले हम किचन का साइज जो है वो मार्क करना यहाँ पर हमारा रह गया है। सो आप इसकी विड्थ देखेंगे, सो यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक 9.5 फिट की विड्थ रहेगी। जो लेंथ देखेंगे आपके किचन की 11 फिट के आसपास रहेगी। सो 9.5 बाई 11 फिट की आपकी किचन रहेगी। लेआउट देखें, यहाँ से आप एंट्री करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पे स्लैब रखी है, यहाँ पर आपका गैस स्टोव रहेगा, यहाँ पर आपकी देखेंगे आपका डाइनिंग काउंटर रहेगा, यहाँ पर हमने सिंक प्लेस किया है, एंड इधर आपका स्पेस रहेगा रेफ्रिजरेटर वगैरह प्लेस करने के लिए। ये काउंटर रहेगा आपका वर्किंग काउंटर वेंटिलेशन के लिए। फ्रंट साइड में कार पार्किंग के वरेंडे की तरफ हमने यहाँ पे आपको विंडो प्रोवाइड की है। सो ये हमारा किचन रहेगा। किचन के बाद हम देखते हैं हमारे 3 बेडरूम। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा गेस्ट बेडरूम जो कि इस तरफ है। ड्राइंग रूम के साथ में ही हमने बेडरूम दिया है, ये आपका गेस्ट बेडरूम रहेगा। साइज देखेंगे लगभग 11.5 बाई 12 फिट का आपका ये बेडरूम का साइज रहेगा। आप चाहें तो इस वॉल पे अपनी अलमीरा प्लेस कर सकते हैं, यहाँ हमने बेडिंग करी है, सामने आप टीवी पैनल लगा सकते हैं। दोनों की तरफ से एक्सेस दी है, ये ऑप्शनल एंट्री है। अगर आप चाहें तो इस एंट्री को बंद करते हुए विंडो को सेंट्रली प्लेस कर सकते हैं घर के अंदर से। इस तरीके से यहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे इस बेडरूम के अंदर। इसके अलावा पीछे की तरफ चलेंगे, आपके दोनों जो प्राइवेट एरिया हैं, जो बेडरूम रहेंगे अटैच आपके साथ ड्रेसिंग एंड टॉयलेट रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा मास्टर बेडरूम इस पैसेज के थ्रू जो आपको किचन की तरफ ले जा रहा है। इसके साथ ही आप अपने मास्टर बेडरूम के अंदर एंट्री करेंगे। इस तरीके से आपका दरवाजा खुलेगा, 3 फीट 3 इंच वाइड आप यहाँ दरवाजा प्लेस करेंगे। लेआउट देखिए, इस तरीके से हमने बेडिंग करी है, सामने वाली वॉल पे आप टीवी पैनल लगाएंगे। साइज रहेगा आपका 15 फीट बाय 13 फीट का, 15 फीट आपका विड्थ वाइज है, 13 फीट आपका लेंथ वाइज है। सो यहाँ पर आपका स्पेस बचता है, आप चाहे तो सोफा सेटिंग कर सकते हैं या चाहे तो 2 फीट की अलमीरा प्लेस करते हुए काफी लंबी आप यहाँ पे अलमीरा प्लेस कर पाएंगे। अटैच ड्रेसिंग एंड टॉयलेट मिल रहा है आपको। सो इस दरवाजे के थ्रू आप एंट्री करेंगे अपने ड्रेसिंग के अंदर। 6 फीट बाय 6 फीट का आपके पास अंदर ड्रेसिंग का साइज रहेगा। 2 फीट के आप अलमीरा प्लेस करते हुए सामने वाली वॉल पे यहाँ ड्रेसर वगैरह अपना लगा सकते हैं। यहाँ से आप टॉयलेट में एंट्री करेंगे, 8.5 बाय 8 फीट का हमारा स्टैंडर्ड इस फ्लोर के लेके हमने साइज रखा है टॉयलेट का। लेआउट देखेंगे, दरवाजे के सामने यहाँ वॉश बेसिन रहेगा, ये आपके WC रहेगी, एंड यहाँ पर आपका बेडिंग एरिया रहेगा। वेंटिलेशन के लिए आप 2 बाय 3 फीट का वेंटिलेटर यहाँ लगाएंगे बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए। साथ ही पीछे रियर ओपन स्पेस के लिए हमने आपको बेडरूम से एंट्री दी है पीछे वाले स्पेस में जाने के लिए। सो ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। नीचे हमारा 3rd बेडरूम रहेगा, फैमिली लॉन्च के थ्रू आप एंट्री करेंगे इस बेडरूम के अंदर। 15 बाय 12.5 फिट का आपका ये बेडरूम रहेगा। बेडिंग देखेंगे, इस तरीके से बेडिंग करेंगे, यहाँ पे आपने टीवी पैनल लगा दिया है, यहाँ पर आप अपना सोफा प्लेस कर सकते हैं। लॉन्च के अंदर हमने यहाँ पे आपको एल विंडो प्रोवाइड की है, सो दैट यहाँ पर किसी को विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो तो इस तरीके से यहाँ पे विजिबल रह सकती हैं चीज़ें। साथ ही साथ पीछे रियर ओपन स्पेस में जाने के लिए हमने यहाँ पे भी आपको एक एक्सेस प्रोवाइड की है। तो बाकी इसके अलावा पीछे वाला एरिया देखेंगे, इसको एज एन आप यूटिलिटी एरिया यूज़ कर सकते हैं, ये लैंडस्केप एरिया के लिए तौर पे आप यूज़ करेंगे। फ्रंट साइड में आप यहाँ पे वाटर बॉडी वगैरह प्लेस कर सकते हैं, लैंडस्केप सेटिंग कर सकते हैं, एंड ये आपका ओपन स्पेस है। यहाँ पर आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिल गई है, ये आपका मेन गेट है, ये आपका पेडेस्ट्रियन गेट है। सो ये हमारा आज का प्लान था गाइस। 1550 स्क्वायर फीट के अंदर हमने आपको 3 BHK हाउस प्लान दिया है विद सेपरेट ड्राइंग रूम। सेंट्रली लॉबी रहेगी, स्टेयरकेस आउटसाइड से है, किचन रहेगी आपके पास, 2 ड्रेसिंग है, 2 अटैच टॉयलेट रहेंगे, कॉमन टॉयलेट रहेगा, पाउडर रूम रहेगा। सो ये हमारा आज का प्लान था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान कैसा लगा। साथ ही आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर, आपको कोई मकान बनवाना हो तो आपको कंसल्टेंसी की अगर रिक्वायर्ड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सो दैट किसी को अगर 3 BHK हाउस प्लान विद सेपरेट ड्राइंग रूम इसी प्लॉट साइज के अंदर बनवाना हो, या इस प्लॉट को, इस डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं किसी थोड़े छोटे प्लॉट के अंदर भी। लाइक आप 2-2 फीट 3 फीट दोनों तरफ हर साइड से आप कम करते हुए इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें सो दैट आप किसी की हेल्प कर पाएँ। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय दोस्तों।